ओ गॉड, 3 बज गए। आज तो मिया जी से डांट पड़ेगी। मैं तो 10-15 मिनट में भागूंगी। मैं भी, मुझे भी 4 बजे तक घर पहुंचना है। ए नंदू, याद है हमारे कॉलेज के वो दिन? कितने आजाद थे हम लोग, ना कोई बंदिश ना कोई रुकावट। अच्छा कविता, सामने खुला आकाश, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बोलो क्या कहना है? पर नंदू, तुझे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा। तू तो इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर की बीवी है, आगे पीछे नौकर चाकर, तू तो राज करती होगी। कितनी बार कह चुका हूँ, घूमने को गाड़ी और रहने को इतना बड़ा बंगला। एक बंगला बने न्यारा। सोच ही नहीं पाता कविता, सच कह रहा हूँ। बात मान, एक्सक्यूज मी, इसका क्या हाल है गीता का? पता नहीं, तू बता। मैं क्या बताऊँ, मुझसे तो कॉलेज के बाद मिलना ही नहीं हुआ। और विनय के बारे में तुझे कुछ खबर है? विनय तो अमेरिका गया हुआ शायद। अच्छा, एक जाने से पहले तेरी मुलाकात हुई थी? नहीं, बस फोन आया था उसका। और मोना कैसी है? मोना मजे में है, राज कर रही होगी अपनी फ्रेंड के साथ। हेलो मिस्टर कोहली, आप शायद मुझे पहचान नहीं सके, दिमाग पर जरा सोच चालिए कोहली साहब। नंदिता, इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? हेलो, मैं नंदिता। हेलो, हाय, आई एम कविता। अरे आपके चेहरे पे पसीना कैसा? तबीयत तो ठीक है आपकी? आई नो व्हाई, आपको शायद मेरा कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं आया ना। आई एम सो सॉरी, आप लोग इत्मीनान से बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। बाय। हुशी, छुप गई हो तुम? नंदो, मुझे क्या देर तुम्हें हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे और नहीं चला जाता, पिछले 1.5 घंटे से मुझे अपने साथ घसीट रहे हो। यही नहीं कि कहीं बैठकर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो। अभी से शिकायत? मेम साहब, अभी तो सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। क्यों, गुजारने का इरादा है कि नहीं? है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इश्क में लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, तो मैं कभी इस चक्कर में नहीं पड़ती। सच? इरादा नहीं है तो अभी कह दो। नंदू, नंदू, मैं सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी कसम नंदू। देखना, मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी नंदू।
तुम इस वक्त? कोई एतराज है? कहो तो चली जाओ। अरे कैसी बातें कर रही हो, आओ आओ अंदर तो आओ। तुम और मेरे इस गरीब खाने में इस वक्त यकीन नहीं आ रहा। बैठने के लिए नहीं कहोगे? ओ आई एम सॉरी सॉरी प्लीज। अरे बैठो नंदिता, प्लीज बी कंफर्टेबल। तुम्हारे साथ कैसी फॉर्मेलिटी? क्या बात है नंदिता, बहुत उदास लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है? अनजान बनते हो? नहीं नहीं नंदिता, ऐसी बात नहीं। दरअसल तुम तो जानती ही हो मैं सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और रही रिपोर्टर्स की बात, इन्हें तो बस बात का बतंगड़ बनाने का मौका मिलना चाहिए। छोड़ो भी, क्या लोगे, चाय या ठंडा? ठंडा। ठंडा। Here you are. Thanks. एक बात कहूं अमित, मैं रिपोर्टर नहीं उनकी पत्नी हूं। नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे आंटी बात तो जश्न मनाने की है। मुर्गा फंस गया क्या? फंसा नहीं आंटी, अब तो वो बिल्कुल मेरे काबू में है। अब देखना इस अभिषेक कोहली को किस तरह मैं अपने कामयाबी की सीढ़ी बनाती हूँ। देखती जाओ आंटी किस तरह कामयाबी और शानो शौकत हमारे कदम चूमेगी। तुझे यकीन है अभिषेक कोहली तेरी बातों में आएगा? आएगा नहीं आंटी, वो आ चुका है। आज के बाद उसकी हर फिल्म की हीरोइन तुम्हारी ये कविता होगी। मैं होंगी आंटी, मैंने उसे इस तरह अपने चक्कर में फांस लिया है आंटी कि बस पूछो मत। पर कविता वो शादीशुदा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बीवी उसके कानों में कोई ऐसा मंत्र फूंक दे कि वो। डरो मत आंटी डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों में मैं उसे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए इतना मजबूर कर दूंगी कि बस तुम देखती जाओ सिर्फ। बस एक बार तलाक हो जाने दो, फिर सब कुछ हमारा होगा। लेकिन हाँ जरा सोच समझ कर कदम उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में लेने के देने पड़ जाएं। एक रास्ता है आंटी, जहां तक मुझे पता है उसकी पत्नी को हमारे रिश्ते की भनक पड़ चुकी है। अगर हम किसी तरह उसकी टूटती हुई गृहस्थी पर और थोड़ी सी मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना आंटी? समझ गई हूँ, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे।
बहू रानी ये देखिए कहा है। बहू रानी पंखा चला दूं? अभिषेक, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई ही क्यों है? क्या हम हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? मेरी तकदीर देखो, जब भी तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मन बेचैन होता है तुम फोन पर भी नसीब नहीं होते। अभी ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पाना मेरी तकदीर में ही नहीं? तुम्हें शायद मेरी चाहत का अंदाजा नहीं। अभी मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मैं एक ऐसे अकेलेपन से गुजर रही हूं जिसे सिर्फ तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। बाकी बातें मिलने पर होंगी, जगह तो तुम जानते ही हो। तुम्हारी कविता। नहीं रुक सकता। तुम और इतनी जल्दी? क्या बात है भाई? हाँ, मैं और इतनी जल्दी? अरे क्या हुआ? पगला गए हो क्या? कब से हंसे जा रहे हो? कुछ नहीं, बोलो क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़ी हो। एक मिनट। मेरी बात सुनो, इधर आओ। अरे एक मिनट ठहरो, हाथ धोने दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बात सुनो, अभी और इसी वक्त। बैठो बैठो और मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, हमारे इस नए गाने की जो बंगाली फिल्म जो हम बना रहे हैं ना, उसके गाने की रिकॉर्डिंग का डेट कल ही फिक्स हुआ है। कल? जी हाँ, कल ही। अगर कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ना तो मुझे पूरे 2 महीने रुकना पड़ेगा। मेरी इस फिल्म में एक रोमांटिक सीक्वेंस है जिसमें एक मुझे बंगाली गाने की जरूरत है, और अगर कहीं ये गाना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाए ना तो मजा आ जाए। और मैं तो उनके गानों के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम्हें मुझे एक गाना सजेस्ट करना पड़ेगा। मुझे? जी हाँ, तुम्हें। इस गाने को हीरो लिप देगा। आखिर हमारी बीवी बंगाली लिटरेचर में एमए है। पहले खाना बना लू, बाद में सोचकर बताऊंगी। नहीं, अभी बताओ। खाना हम बाद भी खा सकते हैं। हाँ, पर मुझे कोई परवर नहीं। मैंने सबसे कह रखा है, मेरी वाइफ यूं चुटकियों में गाना सजेस्ट कर सकती है। चलो फिर भी हम तुम्हें 10 सेकेंड का समय देते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड? उनके इतने सारे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अरे सोचने का वक्त तो दो धीरे प्लीज। 8, 8:15, 8:30, 9:45, 9:15, 9:30, 9:45, 10। ভালো বেশে সুখী। হুম।
घर की याद आ गई? तुम्हें इससे मतलब? कहाँ थे इतने देर तक? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंजूर है तो यहां रहो, वरना दरवाजा खुला है। क्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। आराम फरमाने के अलावा कभी कोई काम किया है तुमने? मेरी तरह काम करना पड़े तब समझोगी। काम? अपनी आवारगी को काम का नाम मत दो मिस्टर अभिषेक कोहली। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगा। तुम अपनी जरूरतों से मतलब रखो। बढ़िया से बढ़िया खाना, महंगे से महंगे कपड़े, जेवर, क्या नहीं है तुम्हारे पास? ऐशो आराम की हर चीज दी है मैंने तुम्हें। वाह, क्या आराम की जिंदगी है मेरी। लिसन नंदिता, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। लेट मी लीड इट इन माई ओन वे। अगर तुमने दोबारा इसमें दखल अंदाजी की तो क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं। तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता हूं। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आज तुमने वहां जिस तरह से बिहेव किया, छी 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 छी, तुम्हें सब तक गिर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस बेचारी कविता के साथ इस तरह से पेश आना, मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म आती। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता, और नहीं तुम मेरे प्रोफेशन में दखल दोगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आई डोंट लाइक इट। मेरा जो मन होगा मैं करूंगा, जहां चाहूंगा वहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है? था, पर अब नहीं है। मैं कविता को चाहता हूं। मैं अब तक उसी के पास था। उसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आई लव हर। तुमने हमारे बारे में जो कुछ भी देखा सुना है पढ़ा है वो सच है। तुम प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मुक्ति दो। तुम मुक्ति। मैं कविता को आई नीड हर, आई वांट हर। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। हां, तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान मुझे नहीं रोक सकता। प्लीज नंदिता, प्लीज Get away from my life. मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। बहू रानी, खाना तैयार है, चलो खा लो। मुझे भूख नहीं है काका।
ला 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 जु 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 हेलो 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 हाँ मैं बोल रहा हूँ ओ डार्लिंग तुमसे मिलने को दिल बेचैन है तुमने फोन किया था अभी कहा ना डार्लिंग दिल बेचैन है हाँ मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा हाँ मैं बाद में फिर फोन करता हूँ हाँ 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 कैसे हैं हाँ ठीक है मैं आपसे बाद में मिल लूंगा जी हाँ वो हाँ हाँ स्क्रिप्ट तैयार है आपकी हाँ जी हाँ ठीक है बाय डरपोक कब तक लौटोगे बेटा दो तीन दिन में आप इस वक्त कैसे हो बेटा ठीक हूँ बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है लेकिन मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता मैं बाहर जा रहा हूँ आप ऐसा करिए कि स्टूडियो में मिलिए बेटे बस दो मिनट इम्पॉसिबल आप भी कमाल करते हैं देखते नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ बेटा मैं तुम्हारे पास एक काम की तलाश में आया था काम आप जैसे बूढ़े आदमी के लिए मेरे पास कोई काम नहीं भगवान सर आप नंदू नंदू देखो कौन आया है सर मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसा महान कलाकार यहाँ मेरे घर में अरे मैं अपने बेटे को मुबारकबाद देने आया हूँ सर ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है जीती रहो बेटी सदा सुहागन रहो दूध हो नहाओ पोतों फलो आप बैठिए ना मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ प्लीज सर बैठिए ना नंदू इनका मुंह भी मीठा करवाना जी। सर मैं दो एक दिन में आपके पास जाने ही वाला था मेरे पास क्यों अरे किसी को भेज दिया होता वो आके खबर कर देता और मैं आ जाता अरे अभी तुम्हारे ऊपर काम का बड़ा प्रेशर है तुम्हें शूटिंग भी शुरू करनी है ये तो आपका बड़प्पन है सर मेरे इस फिल्म में आपको एक एक अहम किरदार निभाना ही पड़ेगा मुझे जी हाँ आपको और मैं ना सुनना नहीं चाहता क्या है सर के आप जैसे महान कलाकार को ध्यान में रखकर ही मैंने बल्कि यूं कहें कि हम दोनों ने ये कदम उठाया था वरना हमारी क्या हैसियत आपको काम करना ही होगा बस अच्छा बाबा मुझे मंजूर है एक बात पूछूं आपने अचानक फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया मेरे अहंकार ने मुझे ये सब छोड़ने को मजबूर कर दिया
सच तो ये है कि कामयाबी हासिल करने पर मैं भी दूसरों की तरह हवा में उड़ने लगा, भूल गया कि कभी भी मेरे ये पंख कट कर गिर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। अपने आप को मैं हिमालय से ऊंचा समझने वाला ये भी भूल गया कि नीचे दिखने वाले ये छोटे छोटे लोग दरअसल छोटे नहीं हैं, और जब तक मैं इन लोगों के पास आया तब तक मेरा सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ। मेरी एक बात याद रखने बेटे, ऑलवेज टेक योर जॉब सीरियसली, नेवर टेक योर सक्सेस सीरियसली। पता नहीं भगवान किस दिन किसको किस मोड़ पर लाकर पटकते। Nobody knows the future. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अमित, मैं करूं भी तो क्या करूं? सब कुछ ठीक हो जाएगा नंदिता, सब्र से काम लो। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे दुश्मन को भी ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। अपने आप को संभालो नंदिता, देखो इस तरह टूटने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। देखना एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। भगवान पर भरोसा रखो नंदिता, वहां देर है अंधेर नहीं। अमित एक मिनट। कौन है काका? बहू रानी, कोई मोहिनी नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। हेलो अमित, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, सी यू। नमस्ते। नमस्ते, आप बैठिए ना। थैंक यू, वेलकम। जी मैं मोहिनी, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी आप मुझे नहीं जानती, एक्चुअली मैं अभिषेक आई मीन मिस्टर कोहली से मिलने आई हूँ। क्या मैं मिल सकती हूँ? उन्होंने मुझे बुलाया था। पर वो तो बाहर, मेरा मतलब है मुंबई गए हुए हैं। मुंबई? जी कल परसों तक लौट आएंगे, तब मिल लीजिएगा। पर वो गए कब? कल सवेरे मॉर्निंग फ्लाइट से। क्यों कल सवेरे? पर मैं तो उन्हें आज ही सदन गेस्ट हाउस में देखा था। पर ये कैसे हो सकता है? आपकी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। वो तो हो ही नहीं सकता, मैं अपनी आंखों से उन्हें गेस्ट हाउस के बालकनी में देखा था। वो उनके कविता जी, वो भी उनके साथ थी। आप चाहे तो फोन करके देख सकती है। मोहिनी जी मेरे पति मुंबई गए हुए हैं, आप जा सकते हैं। नमस्ते। वो भी उनके साथ थी, आप चाहे तो फोन करके देख सकती हैं। बेबी मैं आंटी,
तुम्हारा काम हो गया है। मोहिनी अभी अभी नंदिता के पास से आई है, उसके कहने के मुताबिक तुम्हारा प्लान कामयाब रहेगा। हेलो 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 हेलो, कौन है कविता? पता नहीं कौन है, होगा कोई। ड्रिंक्स लोगे? ड्रिंक? नशा तो मुझे इन शरबती आंखों का ऐसा छोड़ा हुआ है कि कमबख्त उतरता ही नहीं। नहीं अमित, और नहीं, और धीरज रखने को मत कहो, मुझसे और सहा नहीं जाता। नंदिता प्लीज, देखो हो सकता है उस लड़की ने तुम्हें झूठ कहा हो, या फिर ये उसकी कोई चाल हो। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त है इसीलिए ना, पर उसने मेरे साथ जो किया वो कुछ भी नहीं, उसका तुम पर कोई असर नहीं। When did I say that? क्या फिर साफ साफ कहो तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो नंदिता। सिर्फ एक बात कहो अमित, तुम मेरे साथ हो, इसमें भी क्या कोई शक है? अभिषेक इतना बदल जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके अहंकार ने आज उसे कहां पहुंचा दिया। मेरी बात छोड़ो, उसने जिस तरह आनंद जी का अपमान किया वो मेरा अभी कभी नहीं कर पाता, सच कभी नहीं। उनकी पोजीशन, उनकी एज, उनके तजुर्बे का भी कोई ख्याल नहीं किया। तुम्हें कहो अमित, ये सब क्या ठीक है? वो बहन क्या है नंदिता, उसे प्यार से समझाना होगा। तुम क्या समझते हो मैंने उसे समझाया नहीं? ऐसी बात नहीं, पर एक बार और। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। You'll be insulted, Amit. Still, I would like to give it a try. वो तुम्हारी मर्जी, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरे बेटा आ गए तुम। हाँ काका। कैसे हो काका? बस जी रहा हूँ बेटे। एक कप चाय मिल सकती है? अभी लाया बेटे। सदन गेस्ट हाउस क्या मुंबई में है? क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछ रहे हो? चली जाओ, आउट। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। हाँ वो तो होगी ही, चार रातें उस दो टके की छोकरी के साथ बिताने के बाद तुम्हें मेरी शक्ल से नफरत तो होगी। कविता के लिए तुम मुझे उस बाजारू लड़की का नाम अपने सुबान पर लाने में भी मुझे घेर आती है। नंदिता, खबरदार उसके बारे में एक शब्द भी कहा तुमने तो क्या कर
लोगे तुम? तुम जैसा सोचती हो कविता वैसी लड़की नहीं है। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम उसे जानते हो पर उसे समझते नहीं हो। तुम जैसे मर्दों को अपनी चाल का मोहरा बना लेती हैं ऐसी लड़कियां, लेकिन तुम जैसे लोग ऐसी औरतों की मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ गवा देते हैं। अभिषेक, अभी भी वक्त है, अपनी आंखों पर बड़ी पट्टी को उतार फेंको, वरना पछताओगे। इसका बहुत बुरा होगा। बुरा होगा तो मेरा होगा, पछताऊंगा तो मैं पछताऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। मेरा एक काम करोगे? बोल कर तो देखो। मुझे एक नौकरी दिलवा सकते हो तुम? नौकरी? तुम नौकरी करोगी? क्यों, तुम क्या चाहते हो कि मैं उस घर में रहकर जिंदगी भर का रोना अपनी तकदीर में लिख लूं? अच्छा अमित, क्या तुमने कभी अपने सपनों, अपनी उम्मीदों को अपनी ही आंखों के सामने चूर चूर होकर बिखरते देखा है? नहीं ना, मैंने देखा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तुम मेरे दुख को नहीं समझोगे अमित। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ अमित, बिल्कुल अकेली। चाय? वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसे मौसम में गर्म गर्म चाय की प्याली, वाह मस्ती आ गई। अरे अभी साला लकी है तू। अच्छा, वो कैसा? सच कभी कभी तुझ पे जलसी होने लगती है मुझे। अरे नंदिता जैसी लड़की और तुझ जैसे गोचू की किस्मत में। अक्सर मुझे यह महसूस होता है कि औरत के बिना मर्द की जिंदगी कितनी कितनी अधूरी अधूरी सी होती है। हा? औरत चाहे माँ हो या बहन या फिर पत्नी के रूपों में, मतलब सभी रूपों में हम मर्दों की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। कभी ये भी सोचकर देखा तूने? तुम भी ना, इन्हें अपने काम से फुर्सत मिले तो सोच पाए। इनको तो कभी याद ही नहीं रहता है कि इनकी एक पत्नी भी है जो घर पे इनका इंतजार करती है। नंदू, कम से कम तुम ऐसी बात मत कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर इजाजत मिले तो मैं कुछ कहूँ? फरमाइए। हाँ हाँ कहिए हुजूर, आग तो आपने लगाई दी है, अब कह भी डालिए। नहीं, अगर नंदू के लिए तेरे पास वक्त नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं जो हूं। नंदू, इस दिल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं मेरी जान, जब चाहे एंट्री ले लेना। यू आर मोस्ट वेलकम।
यू भगवान मुझे ऐसा दिन दिखाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले हमने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि एनी वायलेशन ऑफ हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस होने पर हम तुम्हें हॉस्टल से निकाल सकते हैं। डू यू रिमेम्बर? यस मदर, बट नो बट्स। रात को 9 बजे हॉस्टल गेट पर ताला लग जाता है। डोंट यू नो दैट? यस मदर। फिर क्यों लेट किया? आई एम सॉरी मदर, अब से ऐसा और नहीं होगा। एक्चुअली कल पार्टी में। नो एक्सक्यूज नीता, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। एक्सक्यूज मी? अरे नंदिता, यस कम इन, तुम जा सकती हो। एंड रिमेम्बर, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। थैंक यू मदर। बैठो नंदिता। कैसी हो? ठीक हूँ। How do you feel after marriage? क्या बात है नंदू? I hope everything is all right. अच्छा बताओ, इस बूढ़ी मदर को कैसे याद किया? मेरा कमरा खाली है मदर। Yes, but क्यों? मैं यहाँ रहने आई हूँ। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, डोंट क्राई, हम बाद में बातें करेंगे। कमल, कमल। जी मैम। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे हो तुम? ठीक दीदी। जल्दी जाकर दीदी का रूम साफ करो, दीदी हमारे साथ रहेंगी। जी। और सुनो, दीदी को कॉफी नहीं पिलाओगे? जी अभी लाए। मेरे लिए भी लाना। जी। पेमेंट अभी कर दो मदर? पहले जाकर फ्रेश हो लो, बाद में करना, बाद में बातें करेंगे। थैंक यू मदर, थैंक यू वेरी मच। डोंट क्राई, एवरीथिंग विल बी ओके।
क्या बात है अमित? अभी आज मैं एक दोस्त की हैसियत से अपना हक तुझ पर जताने आया हूं। मैं जानता हूं यह तेरा जाती मामला है, स्टिल मुझे गलत मत समझना। अभी नंदिता के साथ तू जो कुछ भी कर रहा है अभी वो ठीक नहीं है, उसे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। देखो अमित, अपनी बीवी से मैं जैसे चाहे पेश आऊं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक बात और, मुझ में अभी भी इतनी काबिलियत है कि अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकूं। उसके लिए मुझे तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं। तू मुझे गलत समझ रहा है अभी, मैं तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी।
बहके हुए को रास्ता दिखाना हर इंसान का फर्ज होता है, और मैं तो दोस्त हूं तेरा। दोस्त? देखो अमित, तुम जो कहने आए थे वो कह चुके हैं, और आज के बाद मुझे अपना दोस्त कह के गाली मत देना प्लीज। मेरी जाती जिंदगी में दखल मत दो तुम प्लीज अमित प्लीज। नंदिता मेरे लिए मर चुकी है। वैसे अमित, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों में कुछ? अभिषेक, उस देवी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ डाले? ओ कविता डार्लिंग, ये अमित है, मुझ पे अपनी दोस्ती का हक जताने आया है। ओ अभिषेक प्लीज बी क्विक, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो अमित? अपने उस देवी के दर्शन करने? मिस्टर कोहली, फर्क आप में और मुझ में सिर्फ इतना ही है कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो औरत के रूप में एक देवी है, और जिसके लिए आप उस देवी को ठुकरा रहे हैं वो बदचलन ही नहीं बल्कि औरत जात के नाम पर एक कलंक है। कलंक! मेरे घर की चौखट पे खड़े होके मुझ पे ही उंगली उठा रहे हो तुम? यू आउट आउट, आई से गेट आउट ऑफ माई हाउस। कमाल है, बिना सोचे समझे इतनी अच्छी नौकरी हो तूने छोड़ दी। क्या करता अमित, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ये बॉस की गुलामी मुझसे नहीं हो सकती, और इस नौकरी में मेरा कोई भविष्य भी नहीं है यार। देख मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं। ये 9 to 5 जॉब मेरे बस की बात नहीं। पर इस तरह तो तू क्या चाहता है अमित, कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं? हाँ देख, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ ऐसा कि लोग देखें और कहें इज द मैन हु कैन डू इट, और इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा बॉस के मुंह पर दे मारा। मैं तेरी अंदर की आग को समझता हूं अभिषेक, बट यू आर अ मैरिड मैन, तेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। कल तुम लोग 2 से 3 हो गए, जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। अभी फिल्म बनाना एक जुआ है, तू बर्बाद भी हो सकता है। एक दोस्त के नाते तुझे सही रास्ता दिखलाना मेरा फर्ज है। अमित, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो हूं नहीं कि तू मेरी उंगली पकड़ के मुझे रास्ता पार करवाएगा। देख, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है। तो ठीक है, मैं नंदिता से ही बात। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अमित, मेरे इस पहले प्रोजेक्ट के लिए मुझे फिनेंशियल हेल्प नंदू से ही मिल रही है, उसी ने मुझे पैसे दिए हैं, वो भी अपने अपने गहने बेचकर। सो फ्रेंड, मैं नंदिता को एक अलग, मैंने औरों से बिल्कुल अलग समझता हूं। I must say she is a courageous lady.
वरना एक औरत होकर अपने पति को इतना बड़ा रिस्क लेने में सहयोग देना, इट्स अनबिलीवेबल। अमित, नंदू को मुझ पे, मेरी कामयाबी पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। एंड यू नो अमित, ये विश्वास ही शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद है, जिस पर एक सुंदर घर और एक सुखी परिवार टिका रहता है। यू आर अ लकी मैन अभिषेक, रियली वेरी लकी। तक जहां हो, घर नहीं जाना क्या? घर नहीं, हॉस्टल। हॉस्टल? सुना है कविता आजकल अभिषेक के साथ रह रही है, तुम्हें कुछ पता है? हाँ, छोड़ो ना इन सब बातों को। हाँ नंदिता, उस रात मैं जब अभिषेक से मिलने गया था तो वो वहीं पर थी। तुमने मुझे फिर बताया क्यों नहीं? क्या बताता? यही कि तुम्हारा पति आजकल दूसरी औरत के साथ रंगरलिया मना रहा है। मैं तुम्हारी पोजीशन को समझती हूं अमित, पर मैं भी क्या करूं? सॉरी नंदिता, आई एम रियली सॉरी। थर्टी बाय वन टेक वन एक्शन। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। मेरा भगवान जानता है, अगर मैं सच्ची हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, तो मेरी सिंदूर को पोंछ डालने की हिम्मत किसी में नहीं, उस भगवान में भी नहीं। वो जहां कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये एक नारी की प्रतिज्ञा है। तुम कब आए? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। क्यों? बस कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? जी? वो पब्लिसिटी मैटर्स का क्या हुआ? वो लोग दे गए क्या? तुम्हारे फोटोग्राफ इतने सुंदर आए हैं कि क्या बताऊँ। सच्ची? दिखाओ ना प्लीज। तुम लाए हो क्या? मैं लेके नहीं आया। ओफो, घर जाके देख लेना। यू लुक गॉर्जियस इन देम। गॉर्जियस तो मैं लगूंगी ही, मुझे अपने इस चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कविता, बहुत जोरों से भूख लगी है। क्यों, कुछ खाकर नहीं आए क्या? नहीं। क्यों, काका ने तुम्हें खाना नहीं दिया? उसने जरूर कुछ बदतमीजी की होगी। मैं पहले से ही कह रही थी कि काका अपनी हद से आगे निकल रहा है, और तुम लोगों ने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। उसे तो मैं घर जाकर देखूंगी। किसे देखोगे तुम कविता? काका तो आज सुबह ही काम शुरू कर चले गए। क्या, तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। नहीं, उसका कहना है कि नंदिता के बिना ये घर उसे
काटने को दौड़ता है। Nonsense। तुम चिंता मत करो, मैंने परमन साहब से कह रखा है, वे तो एक दिन में ही एक फर्स्ट क्लास कुक का इंतजाम कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैडम आपका शॉट रेडी है, प्लीज जल्दी आइए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। Okay. दीदी मैं हसन भाई के पास गया था, he says पतिव्रता फिल्म के इस पंजाब के लिए वो 4 लाख से एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे, दो वाइट और जलान साहब वो तो अभी तक 3 लाख पर ही अटके हुए हैं। 3 लाख, उन्हें क्या पता नहीं कि फिल्म के हीरोइन मैं हूँ? सब पता है, ये सब उनके नखरे हैं। मैं देखता हूँ। हेलो, यस जी, एक मिनट, क्लैपस्टिक वालों का फोन है, दे वांट योर इंटरव्यू। कहो स्टूडियो में आकर मिल ले, एंड दैट टू ओनली ड्यूरिंग लंच टाइम। ओके, हेलो, हाँ जी, आप एक काम कीजिए, कल आप एमएल स्टूडियो में आकर उनसे मिल लीजिएगा, या शी विल बी देयर। जी हाँ, मैंने उनसे कह दिया है आपका काम कल ही हो जाएगा। यस, अच्छा, और हाँ कविता जी आपसे सिर्फ लंच टाइम में ही मिलेंगी। हाँ क्या क्या? नो नो इट्स इम्पॉसिबल, वो घर पर किसी से नहीं मिलती। नो नो इट्स इम्पॉसिबल, मैंने कहा ना आपसे। ओके बाय। हैव दे अग्रीड? हाँ, दिल हैव टू एग्री। यू नो समथिंग, आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, है ना डार्लिंग? ऑफ कोर्स। लेकिन डार्लिंग तुम्हें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, करोगे ना मेरे लिए, मेरे खातिर प्लीज? प्लान क्या है? सी व्यू होटल में एक पार्टी थ्रो करते हैं, एंड विल इनवाइट ऑल द बिग प्रोड्यूसर्स एंड ऑल बिग डायरेक्टर्स। व्हाट? हाँ डार्लिंग, आफ्टर ऑल फिल्म इज अ शोबिज, और फिर इसमें हमारा भी तो नाम होगा। हाँ दीदी, यू आर राइट, अगले दिन पेपर में एक हेडलाइन होगी, जाने माने फिल्म डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक कोहली के ऑनर में एक शानदार पार्टी। टन टन टन, इट विल बी अ ग्रेट थिंग अभिषेक। नॉट अ बैड आइडिया। और फिर मैं देखती हूँ ये 3 लाख का बजट कितने लाख में खत्म होता है। आई विल सी टू दैट। पर दीदी, यू जस्ट डू व्हाट आई से, बाकी का मैं संभाल लूंगी। स्माइल, बेडरूम से मेरे सिगरेट के पैकेट लाना। ओफो डार्लिंग, इस्माइल को यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है, और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि वो थोड़ा बहरा है। बी अ बिट लाउड डियर। इस्माइल, इस्माइल, बेडरूम से मेरे सिगरेट का पैकेट ले आओ। बलम हर जाई, बलम हर जाई, हो बलम हर जाई, बलम हर जाई, मेरे तन मन में कैसे अगन भड़काई, बलम हर जाई, बलम हर जाई, बलम हर जाई, मेरे तन मन में कैसे अगन भड़काई, बलम हर जाई, बलम हर जाई, बलम हर जाई। दाना की
कसम है खाई बलम हर जाई बलम हर जाई बलम हर जाई हाय बलम हर जाई बलम हर जाई मेरे तन मन में ये कैसी अग्नि भड़काई बलम हर जाई बलम हर जाई बलम हर जाई क्या हुआ कविता हम बर्बाद हो गए हम लुट गए कविता घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई है वो स्माइल है ना हाँ, अपना बावर्ची हाँ। वो इनकम टैक्स ऑफिसर निकला जल्दी चलो हमें इसी वक्त घर जाना पड़ेगा क्या हाँ। घर इम्पॉसिबल बाय नो चांस और फिर अभिषेक रेट तुम्हारे घर पर पड़ी है मेरे घर पर तो नहीं मैं ये पार्टी छोड़कर नहीं जा सकती और वैसे भी मेरे जाने से वो लोग रुक तो नहीं जाएंगे ना प्लीज अभिषेक तुम्हें तो पता ही है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं पार्टी के बाद मुझे वहां जाना है प्लीज अभिषेक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट अभिषेक प्लीज प्लीज यू गो देयर प्लीज अभिषेक प्लीज हाय कविता ओ हाय ये ज्वेलरी की लिस्ट आपने रिटर्न में कुछ भी शो नहीं किया आई नीड प्रॉपर एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन मिस्टर कोई अदरवाइज हमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी देखिए चुप रहने से कुछ नहीं होगा जवाब दीजिए नहीं बात दरअसल ये है कि ये सब कुछ मेरी पत्नी का है You know my wives. Right. पर आपकी पत्नी मिसेस नंदिता कोहली को ये सब कहां से मिला? She never used to work. You need not bother. हम मिसेस नंदिता कोहली से खुद डील कर लेंगे आप अभी जा सकते हैं अभिषेक मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ आई एम विथ यू डार्लिंग लेकिन अभी हमारा ज़्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं होगा तुम समझ रहे हो ना तुम्हारे साथ साथ इनकम टैक्स वाले मुझ पर भी डाउट कर सकते हैं और वन थिंग प्लीज़ प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माई शूटिंग आवर्स गॉट इट You need not bother. हम मिसेस नंदिता कोहली से खुद डील कर लेंगे You need not bother. हम मिसेस नंदिता कोहली से खुद डील कर लेंगे हेलो कैसी हो नंदू नंदिता मेरी आवाज पहचान रही हो ना अच्छी हो मुझसे नहीं पूछोगी मैं कैसा हूँ आप जैसे बड़े लोगों की खबर हम मामूली लोगों को अखबारों से ही मिल जाती है मुझसे कोई काम है क्या नहीं मतलब बस यूं ही
तुम एक समझदार लड़की हो नंदिता, तुमने जो भी फैसला किया होगा सोच समझकर ही किया होगा। काश आज तुम्हारी मां जिंदा होती, कुछ ही दिनों में तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। नया जन्म बाबा? हां बेटी, बुजुर्गों का कहना है कि शादी के बाद हर लड़की का नया जन्म होता है। मां बाप की दी हुई शिक्षा, उनकी नसीहतें उसकी नई जिंदगी में ही काम आती हैं। तुम ठहरी नई पीढ़ी की, बुरा भला समझने की तमीज तुम में है, इसलिए मैं तुम्हारे हर फैसले की कद्र करता हूं। मैं ठहरा पुराने जमाने का आदमी, इसलिए आज भी ये मानने को मजबूर हूं कि बेटियां पराया धन होती हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप हर वक्त इस दरवाजे की चौखट पर तुम्हारे लिए नजरें बिछाए रहेगा। पापा। नहीं बेटे, रोते नहीं, ठहरो, मैं भी आता। लो बेटी, रख लो। ये क्या है बाबा? तुम्हारी मां की निशानी है। आज अगर वो जिंदा होती तुम्हें अपने हाथों से देती, लेकिन शायद उसके नसीब में ये खुशी देखना नहीं बता था। क्यों, नौकरी छोड़ने का कोई कारण तो होगा? जी हाँ, है ना, आप लोगों का रवैया इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं ये काम और नहीं कर सकता। लिसन लिसन अभिषेक, लिसन। सॉरी सर। क्या हुआ इतनी जल्दी? हाँ नंदू, मैंने नौकरी छोड़ दी। हाँ छोड़ दी, क्यों? क्या करता, वो लोगों का रवैया बर्दाश्त के बाहर था। अब पैसे देने का मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने मुझे खरीद लिया है। अच्छा क्या छोड़ दी, इस बहाने तुम्हारा अपना काम तो शुरू होगा। अब देखना तुम्हारा अपना एक बिजनेस होगा, अपना अपना ऑफिस होगा। नंदू, ये सब उतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। इस काम के लिए बहुत पैसा चाहिए नंदू, बहुत पैसा। और मुझ जैसे अनाड़ी आदमी को पैसे देकर कौन रिस्क लेगा? मैं दूंगी। तुम मुझे पैसे दोगी? एक मिनट। कुछ ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन नंदू, ये मैं नहीं ले सकता नंदू।
ये मत सोचिए साहब कि ये मैं तुम्हें यूं ही दे रही हूँ, सूद समेत वापस लूंगी, याद रहे। लो लो ना। तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा नंदू। अभिषेक प्लीज बताओ ना क्या हुआ, रिपोर्ट क्या है बताओ ना, प्लीज बताओ जल्दी क्या है। हमारी मेहनत सफल हो गई नंदू, हमारी पिक्चर हिट है, सुपर हिट। नंदू ये सब तुम्हारे सारों का नतीजा है, और नंदू अपनी ये पहली कामयाबी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। अभिषेक आई एम सो हैप्पी, मैंने कहा था ना हम जरूर जीतेंगे। मिल गया रास्ता हमें, मिल गया हमें मंजिल का अपने पता, मिल गया हमें मंजिल का अपने पता, मिल गया अपने पता, मिल गया हमें मंजिल का अपने पता, मिल गया। बीत गए दिन दुख के सभी, देखो होंठों पे आई आई हंसी। बीत गए दिन दुख के सभी, देखो होंठों पे आई आई हंसी। आओ करें ये वादा अभी, बिछड़ेंगे हम ना मिलके कभी, रब से रही है अपनी दुआ। मिल गया रास्ता हमें, मिल गया हमें मंजिल का अपने पता, मिल गया हमें मंजिल का अपने पता, मिल गया। खुशबू लुटाए यूं ही सुमन, सदा महका करे मेरा घर आंगन। खुशबू लुटाए यूं ही सुमन, सदा महका करे मेरा घर आंगन। आए इधर ना गम की घुटन, फैली रहे खुशियों की किरण, रब से यही है अपनी दुआ। मिल गया मंजिल का अपने पता, मिल गया हेलो। देखिए आप मुझे परेशान मत करिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ईस्ट पंजाब का राइट मैं 30 के नीचे नहीं छोड़ूंगा। जी हां, 15 का पेमेंट फाइट में लूंगा और बाकी यू नो। जी हां, ये मेरा आखिरी फैसला है। Thank you.
सब नहीं चाहता अभिषेक, अन्याय कर रहे हो तुम। ये पैसा तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। अभी वक्त है, अभी लौटाओ, मेरे खाते लौटाओ। अपनी बकवास बंद करो तुम, मुझे लेक्चर मत दो सही और गलत पे। मुझे पैसा चाहिए, पैसा, चाहे वो कैसे भी आए। सॉरी फॉर द ट्रबल मिसेस क्रॉय, शैल वी स्टार्ट नाउ? मिसेस क्रॉयली, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके पति मिस्टर अभिषेक कोहली के घर पर रेड किया। रेड के दौरान इनके घर से मुझे कुछ रुपए और ऑर्नामेंट्स बरामद हुए, लेकिन इन्होंने अपने खाते में रिटर्न में कुछ भी शो नहीं किया। इनका कहना है वो सब कुछ आपका है। आई एम सॉरी टू से मिसेस कोहली, बट वी नो आप और मिस्टर अभिषेक हस्बैंड और वाइफ होने के बावजूद पिछले 3 महीनों से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाउ यू आर वर्किंग इन के इंटरप्राइजेस, राइट? वन मोर क्वेश्चन मिसेस कोहली, सेपरेशन से पहले क्या आप कोई नौकरी करती थी? Did you have any source of income? Please, Mrs. Kohli, help us out. क्या हुआ मिसेस कोहली, आपने जवाब नहीं दिया? सेपरेशन से पहले आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम था या नहीं? था। इनकी गैर मौजूदगी में मेरा दूसरे पुरुषों के साथ संबंध था। Excuse me. नंदिता, प्लीज नंदिता, प्लीज मेरी एक बात सुन लो प्लीज। आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं नंदू। मुझे मालूम है मैंने जो अपराध किए हैं वो तुम्हारी क्षमा के काबिल नहीं है, फिर भी तुमने आज अपने आप को मेरी खातिर समाज की नजरों में इतना गिरा लिया, मुझे क्षमा कर दो नंदू। मैं वादा करता हूं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज नंदू, प्लीज मुझे सुधरने का एक मौका दो। आपने समझने में कभी भूल की है मिस्टर कोहली, मैंने आपको क्षमा नहीं किया बल्कि आपको दया की भीख दी है। और हाँ, मैंने अपने आप को समाज की नजरों में गिराए नहीं थे बल्कि अपना सिर सिर्फ थोड़ा सा झुकाया था ताकि अपनी बाकी जिंदगी सिर उठाकर आत्म सम्मान के साथ जी सकूं। और यही आपकी हार है। गुड बाय मिस्टर कोहली।